हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और थंबनेल में जैसे आप लोग सभी देख सकते हैं, चॉकलेट लावा केक। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन स्पून मैदा हमें लेना है एक मग में, क्योंकि हम ये मग केक बनाने वाले हैं। उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाना है, हाफ टेबल स्पून से भी कम। ये दोनों चीज़ें हमें मिलानी है। और 2 टेबल स्पून भर के हमें कोको पाउडर यूज़ करना है। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कोको पाउडर यूज़ किया है। ये 2 टेबल स्पून भर के हैं फ्रेंड्स, तभी वो चॉकलेट केक का आपको फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे इसको सीव कर लेना है, इसको अच्छे से छान लेना है, जैसे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। जैसा बैटर हम लोग केक का तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये मैं इसे अच्छी तरह से छान रही हूँ यहाँ पे। और जब ये थोड़ा सा रह जाए तब उसमें चीनी ऐड करना है। ये पिसी हुई चीनी है फ्रेंड्स, जो आजकल सभी के घरों में अवेलेबल होती है। और अगर नहीं है तो आप घर की ही चीनी मिक्सर में पीस लीजिए। और इस स्टेज में मैं इसमें मेल्टेड बटर डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून है ये बटर। आप अपने अकॉर्डिंगली इसे बढ़ा घटा भी सकते हैं। और इसी स्टेज में मैं थोड़ा थोड़ा इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ, जिससे कि इसको एक केक की कंसिस्टेंसी मिल जाए। ये तो ना ही हमें फ्लोई बनाना है, ना ही बहुत थिक बनाना है। ये जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई भी लम्स रहे। अगर इसमें लम्स रह जाएंगे फ्रेंड, तो फिर इसका वो स्वाद नहीं आएगा। और ये मैंने डार्क चॉकलेट मेल्ट करके रखा हुआ है, जो इस स्टेज में मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट, यहाँ तक कि आप डेयरी मिल्क को भी मेल्ट करके इसमें डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। चॉकलेट लावा केक का मेन चीज़ जो रहता है फ्रेंड्स, वो तो उसका बीच में वो लिक्विडी चॉकलेटी जब मुंह में आता है, तभी वो चॉकलेट लावा केक खाने में मज़ा आता है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने ये चॉकलेट मिलाया, इसका कलर ही कुछ और हो गया। और इसको अब मैं माइक्रोवेव में रख रही हूँ। 2 मिनट का टाइमर मैंने सेट किया है। इसे कन्वेक्शन मोड में नहीं पकाना है, माइक्रोवेव मोड पे ही पकाना है। और ये देखिए, हमारा केक कितना अच्छा राइज किया है। ये बिल्कुल ही ओवरफ्लो नहीं हो रहा है और हमारा टाइमर ख़त्म हो रहा है। और अब हम इस केक को निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी ओवरफ्लो नहीं हुआ है। हमारी कंसिस्टेंसी केक की कितनी अच्छी थी। और चलिए अब इसको मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, जबकि अभी मुझे इसे नहीं काटना है, इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देखिए, बिल्कुल ही गरम गरम हमारा चॉकलेट लावा केक बिल्कुल ही तैयार है, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। इसके ऊपर से मैंने थोड़ा हर्शीज का सिरप था मेरे पास चॉकलेट का, तो मैंने ड्रिजल कर दिया है। आपके पास कोई भी चॉकलेट सिरप हो या नहीं हो, तो आप चॉकलेट मेल्ट करके भी ऊपर से डाल सकते हैं। ऐसे ही क्विक एंड इजी रेसिपी के लिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हैव अ गुड डे। बाय बाय।